हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए कुछ साइंस के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इसमें GK के क्वेश्चंस भी मिक्स हैं। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और ये आपको HRTC कंडक्टर के एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चंस किए थे और आज हम उसी का सेकेंड पार्ट करेंगे। आज भी हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज़ द विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शंस आर क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा एंड जस्ता। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ऑप्शंस आर कंडक्शन का, कन्वेक्शन का, रेडिएशन का या कंडेंसेशन का। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, केतली में पानी का गर्म होना संवहन का एक उदाहरण है, कन्वेक्शन का उदाहरण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वायु क्या है। ऑप्शंस आर तत्व, मिश्रण, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण, वायु मिश्रण है। देन क्वेश्चन नंबर 34 इज द यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शंस आर ट्रांसफार्मर के द्वारा, ऑटोमीटर के द्वारा, एमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा या डायनेमो के द्वारा। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा। ऑप्शंस आर उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि होगी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, उसके भार में कमी आएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। ऑप्शन आर सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या पित्तल। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। ऑप्शंस आर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसक्स लॉ एंड एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, एवोगैड्रो लॉ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शंस आर इथेन, अमोनिया, मीथेन एंड एथिलीन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। देन क्वेश्चन नंबर 39 इज द जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो। ऑप्शंस आर ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 40 इज द नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। ऑप्शंस आर रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा या कॉर्निया के द्वारा। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। देन क्वेश्चन नंबर 41 इज द सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देन क्वेश्चन नंबर 42 इज द साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शंस आर मणिपुर, नागालैंड, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शंस आर 10 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात या 25 वर्ष के पश्चात। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष के पश्चात। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑप्शंस आर तमिलनाडु बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या डेयरी विकास। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित डेयरी विकास है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। ऑप्शंस आर सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ऑप्शंस
ऑप्शन आर नागपुर, रायपुर, भोपाल एंड लखनऊ, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, भोपाल इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राणा प्रताप सागर संबंधित है. ऑप्शन आर सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है. ऑप्शन आर 22 जुलाई को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को या 21 सितंबर को. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं. ऑप्शन आर इश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कट उपनिषद या इनमें से कोई नहीं. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है. ऑप्शन आर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है. ऑप्शन आर पर्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था. ऑप्शन आर जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, जॉन एक फ्लिट ने या इनमें से कोई नहीं. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है. ऑप्शन आर 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी एंड 23 मार्च. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 56 इज द राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है. ऑप्शन आर 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या 2 सितंबर. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है. ऑप्शन आर 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर एंड इनमें से कोई नहीं. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है. ऑप्शन आर 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी एंड 21 फरवरी. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है. एंड ऑप्शन आर 26 अगस्त, 15 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर एंड 18 दिसंबर. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. देन लास्ट क्वेश्चन इज द शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है. ऑप्शन आर 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर या इनमें से कोई नहीं. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है. ये आज के लिए टोटल 30 क्वेश्चंस थे. हमने HRTC कंडक्टर एग्जाम के लिए टोटल 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसमें साइंस, जनरल साइंस और जीके इंक्लूडेड हैं. जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय बाय, टेक केयर.